जय हिंद इंजीनियरों, आज एक नया सेशन में हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं एक वैकेंसी लेकर, जो कि वैकेंसी सरकारी है और परमानेंट जॉब निकला हुआ है। जो भी स्टूडेंट आईटीआई के बाद डिप्लोमा किए हैं, लेटर एंट्रीज है, वो लोग एलिजिबल हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए। डिप्लोमा वाले के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, PGCIL की ओर से वैकेंसी निकला हुआ है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकला हुआ है। तो हम लोग डिटेल में बात करने वाले, एज, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, आप लोग का फीस क्या होगा, क्या पैटर्न रहेगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, सब चीज़, कितना वैकेंसी सीट जो निकला हुआ, कितना पोस्ट वैकेंसी निकला हुआ, सब पे बात करते हैं, ठीक है। तो चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हिट द बेल आइकन, ताकि कोई जॉब अपडेट मैं टेक्निकल से जुड़ा हुआ आप लोग को मैं दूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए, ठीक है। अब बात करते मेन चीज़ पे, ठीक है। देखो, ये जो वैकेंसी निकला हुआ है ना, टोटली परमानेंट पोस्ट है। टोटल सीट की संख्या देखोगे तो ये जो सीट की संख्या है, टोटल 70 सीट पे वैकेंसी निकला हुआ है। 70 सीट यार कम नहीं होता है, कैटेगरी वाइज बांटा गया है, सब चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा, बस पेशेंस के साथ पूरा वीडियो वॉच करना, तब जाके आपको समझ में आएगा। जो समझ में ना आए कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँ। आप लोग कमेंट करते ही नहीं, कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा आपको क्या दिक्कत है। अब देखो, PGCIL कोर्स जो वैकेंसी निकला हुआ है, 16/10/2024 को ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है कि भैया आप इस दिन से फॉर्म को भर सकते हो। मतलब ओपनिंग डेट ये 16/10/2024, क्लोजिंग डेट आप लोग का है 6/11/2024, पहले ओपनिंग क्लोजिंग समझ लो, ठीक है। उसके बाद से जो वैकेंसी निकला हुआ है PGCIL, PESL मतलब कि पावर ग्रिड इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, ये सब्सिडी है, मतलब कि 100% सब्सिडी है, ये PGCIL का ही एक अंग है समझो तो, ठीक है। यही एग्जाम उजाम आप लोगों का करवाएगी, या फिर जो भी चीज़ है प्रक्रिया यही करवाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सीट की संख्या, जो 70 सीट पर वैकेंसी निकला हुआ है, 70 तो टोटल है, लेकिन यूआर के लिए 30 सीट पे, यूआर के लिए 30 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, OBCL और NCL के लिए 7 रखा गया, SC वाले के लिए 10 है, और ST वाले के लिए 5 है, और PWD वाले के लिए 3 है, और एक्स सर्विसमैन जो आते हैं उनके लिए 7 है, और DX सर्विसमैन जो आते हैं उनके लिए 3 सीट पे वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। पोस्ट का नाम क्या है, ठीक है, जो आप लोग का पद है क्या रहेगा, तो आप लोग का पोस्ट जो है ट्रेनिंग सुपरवाइज़र, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है समझो तो, एक जेई लेवल का आप लोग का पोस्ट है, और यहाँ पे अलग सुख सुविधा मिलती है। भारत की महारत्ना कंपनी में लिस्टेड कंपनी है ये, आपको पता ही होगा, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा जो चीज़ आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, वो चीज़ को आपको आज पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि पता नहीं होता है, वो फॉर्म को फिलअप कर देते हैं और गलती तरीके से फॉर्म घुस भी जाते हैं, एग्ज़ाम देकर मतलब कि पास भी करके, इतना मेहनत करके पास भी हो गए, क्वालिफाई भी हो गए, ज्वाइनिंग भी हो गया, ठीक है, सर्विस भी कर ली, उसके बाद से भी वो लोग छट जाते हैं, चले आते हैं घर। वो चीज़ को आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, बस पेशेंस रखो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि क्वालिफिकेशन सबसे जरूरी बात होती है, क्वालिफिकेशन, ठीक है। एक चीज़ को मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो, एज, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भारत का सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल जॉब अपडेट चैनल, ट्रस्टेड चैनल, ये आप ही लोग के लिए बनाया गया, ठीक है। सबसे पहले बात होती है क्या कि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, फुल टाइम डिप्लोमा किए हो, ठीक है। डिप्लोमा मतलब क्या, डिग्री में ये आता है, लेकिन डिप्लोमा किए हो, अगर आप पॉलिटेक्निक किए हो, इसी को पॉलिटेक्निक बोला जाता है, डिप्लोमा किए हो, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे वेटेज रखा गया 70% अगर आपके पास है, अगर आप UR से बिलोंग करते हो, OBC से बिलोंग करते हो, 70% है, आप एलिजिबल हो। अदरवाइज ST से बिलोंग करते हो तो आपको थोड़ा सा कम भी है तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, लेकिन फुल टाइम रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, या फिर ITI के बाद लेटर एंट्री किए हो तो भी आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। दूसरी बात, पहली बात तो ये, डिप्लोमा किए हो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के, 3 साल वाला फुल टाइम। दूसरी बात ये, लेट एंट्री से किए हो ITI के बाद तो भी आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तीसरी नोट में कर लीजिएगा, तीसरी बात ये कि आप अगर बीबीटेक किए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो फॉर्म फिलअप करने के लिए। मैं आप लोग से हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ फॉर्म को नहीं भरना, ठीक है। अगर फॉर्म आप फिलअप कर भी देते हो, अगर आप ज्वाइनिंग भी कर लेते हो, 5 साल भी हो गया, 4 साल भी हो गया, 10 साल भी हो गया, अगर विभाग को पता चल गया तो वो उसी समय आपको वहाँ से क्वालिफाई कर देगी, वहाँ से आपको रेस्ट्रिकेट कर देगी, वहाँ से आप लोगों को, वहाँ से कंपनी से निकाल देगी ये विभाग, और आप लोगों को बोल देगी, और आपको अब पे क्लेम भी होगा, ठीक है, कि आपने अवैध तरीके से इस डिपार्टमेंट पे ज्वाइन किया
और सब चीज़ टर्म एंड कंडीशन को जानते हुए, विभाग के बारे में जानते हुए कि ये कैसे प्रक्रिया है, इसका क्या है, उसके बावजूद भी आप विभाग में घुसे और ये सब चीज़ गलती की है, ठीक है। तो ये चीज़ को अवॉइड करो, ये सब चीज़ से दूर रहो। अगर आपके पास बीबीटेक डिप्लोमा है तो फॉर्म को नहीं भरना। आईटीआई के बाद अगर डिप्लोमा किए हो तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हायर एजुकेशन वाले एलिजिबल नहीं है फॉर्म को फिलअप करने। यहाँ पर जब भी वैकेंसी निकलता है जिस पोस्ट के लिए निकला वही लोग एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने। ऐसा नहीं है कि आईटीआई वाला भी भर दे, आईटी वाला पोस्ट पर डिप्लोमा वाला भर देगा, बीटेक वाला भी भर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिप्लोमा वाले के लिए डिप्लोमा भरेगा, बीटेक वाले के लिए आएगा तो बीटेक वाले ही भरेगा, ठीक है, और आईटीआई वाले गए तो आईटीआई ही भरेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ब्रांच कौन कौन सा एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने के लिए। इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, या फिर टेलीकम्युनिकेशन से भी हो आप एलिजिबल हो, पावर सिस्टम से भी की हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। चार पाँच पाँच ब्रांच को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया गया है, ठीक है। बीटेक उपटेक एमटेक उमटेक किए हो एलिजिबल नहीं हो, नोट कर लेना। अब एज की बात करते हैं। सबसे पहले एज जो है आप लोग का 18 से 27 है, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम एज आप लोग का 18 से 27 रहेगा, और यह डिपेंड करता है आपका कैटेगरी से। कैटेगरी क्या मतलब कि आप अगर ओबीसी से बिलोंग यूआर से बिलोंग करते हैं तो आपको 18 से 27 तक आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, यूआर से बिलोंग करते हो तो सॉरी, और ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल वेटेज मिलेगा, एससीएसटी से बिलोंग करते हो तो 5 साल वेटेज मिलेगा, पीडब्ल्यूडी से हो तो और आपको ज़्यादा मिलेगा। मतलब ये कैटेगरी जो रूल रेगुलेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 3 साल 5 साल 10 साल, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी। सैलरी आप लोगों को स्टार्टिंग में 24,000, उसके बाद से डिलेंस अलाउंसेस अब तो 3% बढ़ गया, ठीक है। स्टार्टिंग में आप लोग को 1 ईयर आप लोग को ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, जिसमें कि आप लोग को सैलरी कम देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप लोग का सैलरी 1 साल बाद आप लोग को बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमको लगता है ये सैलरी आप लोग को ये 50 के आसपास में, 50 से ऊपर ही जाएगा सैलरी, ठीक है। जब सब चीज़ जुड़ेगा तो टीए डीए एचआरए सब चीज़ जुड़ेगा, बहुत सारे फैसिलिटीज अलग अलग विभाग के अलग अलग अपना अपना होता है, वो चीज़ आप विभाग में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे बाउंड बढ़ाता है यार। सबसे जरूरी बात ये है कि 1 साल आपको ट्रेनिंग, ठीक है, 4 साल से पहले अगर आप छोड़ते हैं तो अगर यूआर से बिलोंग करते हैं तो 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, अगर आप एससीएसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1.25 लाख के आसपास में आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। तो यार 4 साल 5 साल कोई काम कर लेगा, कोई विभाग में चला जाएगा तो हमें नहीं लगता है कि वो छोड़ेगा, अदरवाइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। छोड़ भी देता है, बहुत सारा विभाग अच्छी अच्छी है, इसे भी अच्छे अच्छे विभाग है तो लोग छोड़ देता है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं मेन यहाँ पे कि यहाँ पे सिलेबस, ठीक है, सिलेबस क्या है यहाँ पे, ये बोले हैं साफ साफ कि सीबीटी भी होगा और एग्ज़ाम, ये दोनों में से मतलब हमको लगता है सीबीटी ही होगा, ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम बोले हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है आज के डेट में रिटर्न ये लोग करवाएंगे, लेकिन लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप लोग का सीबीटी के माध्यम से ही होगा। लेकिन सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस आप लोग का क्या है, टाइमिंग आप लोग का 120 मिनट रहेगा, उसमें आप लोग को 170 क्वेश्चन टच करना होगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन आप लोग का टेक्निकल रहेगा। अब देखो टेक्निकल में आप लोग का इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर सिस्टम है, जो भी है आप लोग का उसी से क्वेश्चन पूछेगा, पावर जनरेशन है, जो आपने फॉर्म फिलअप किया है जिस ब्रांच से आपको उसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे ये कन्फर्म नहीं किया गया है कि इसी चीज़ से क्वेश्चन पूछा गया, या फिर यहाँ पे ये कन्फर्म नहीं कर दिया गया कि आप लोग का पूरा पावर जनरेशन से पूछेंगे, इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रॉनिक से कहाँ से क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन कहाँ से कहाँ कितना पूछा जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे ये नहीं है कि पावर जनरेशन से पूछेंगे, 3 फेज पूछेंगे, या फिर पावर सिस्टम से पूछेंगे, या फिर आप लोग का मोटर से पूछेंगे, जनरेटर से पूछेंगे, अल्टरनेटर से पूछेंगे, ट्रांसफार्मर से पूछेंगे, ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं बताया गया, ठीक है। बस बताया गया कि आपका जो टेक्निकल नॉलेज है उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस भी आप ब्रांच से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 120 क्वेश्चन आप लोग का टेक्निकल हो गया, नॉन टेक्निकल आप लोग का 50 रहेगा, जिसमें आप लोग का मैथ, रीजनिंग और ये सब चीज़ इसमें रहेगा, ठीक है, जीएस करंट अफेयर सब चीज़ इंक्लूड रहेगा, ठीक है। 170 क्वेश्चन आप लोग का टोटल रहेगा, जिसमें कि आप लोग 120 मिनट टाइम मिलेगा, और दूसरी बात आप लोग का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, तो आँख बंद करके दम मारने वाला बात नहीं है, ठीक है। तो पेशेंस के साथ क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है, फिर जाकर टच करना है, ठीक है। टाइम बहुत कम है आपके पास, 170 क्वेश्चन 120 मिनट, मात्र 120 मिनट आप लोगों को मिल रहा है 170 क्वेश्चन करने के लिए, तो समझ लो 1 मिनट से भी कम क्वेश्चन आपको टच करने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग भी है तो क्वेश्चन को मारिएगा तो एकदम ध्यानपूर्वक देख कर पढ़ कर सूझबूझ कर मारिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा
समझ रहे हो ना, ऊपर लेवल का रहता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो सेंटर, एग्जाम सेंटर आप लोग कहाँ कहाँ रहेगा, दिल्ली रहेगा, कोलकाता रहेगा, बेंगलोर रहेगा, चेन्नई रहेगा, और यहाँ पे आप लोग का भुवनेश्वर रहेगा, मुंबई रहेगा, नागपुर रहेगा, भोपाल रहेगा, हैदराबाद रहेगा, गुवाहाटी रहेगा, दिल्ली NCR रहेगा, कोलकाता रहेगा, मैं बोल ही दिया हूँ। इसी जगह आप लोग का यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है अपना देख लीजिएगा कहाँ आपको नज़दीक पड़ रहा है या फिर कहाँ घूमने का मन कर रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर हमें एग्ज़ाम देने जाना भी है, इसी बहाने हम मुंबई भी घूम लेंगे, वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर देते, देख लेना। ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि कैटेगरीज वाइज यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगा, यहाँ पे ये हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप लोग अपना सुविधा के हिसाब से अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, नेक्स्ट वैकेंसी पे बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।